फतेहपुर में सीएम जयराम ने किया डैमेज कंट्रोल, कृपाल को मनाया, विरोध शांत करवाया, काम गिनाकर मांगे वोट। फतेहपुर में बलदेव ठाकुर को उम्मीदवार घोषित करने के बाद उठ रहे विरोधी स्वरों को शांत करवाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के नामांकन से एन पहले कुशल सियासी प्रबंधन की वानगी पेश की। बलदेव ठाकुर के नामांकन के समय स्वयं मौजूदगी दर्ज करवाने के बाद मुख्यमंत्री टिकट कटने से नाराज चल रहे कृपाल परमार को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर पहले कोटखाई फिर शिमला ले गए। कृपाल परमार के विरोधी स्वर मंद पड़ते ही बीते कल आलाकमान को सामूहिक इस्तीफा भेजने वाले उनके समर्थकों ने भी पार्टी संग चलने में ही भलाई समझी। जयराम ने कृपाल परमार व बलदेव ठाकुर के साथ सांझा बैठक कर बगावत की चिंगारी को भड़कने से पहले शांत करवा दिया। इस मुलाकात की बाकायदा फोटो भी सार्वजनिक हुई। नामांकन के बाद हुई जनसभा में मुख्यमंत्री फतेहपुर विधानसभा में करवाए विकास के एक एक काम गिनवाकर उपचुनाव में बलदेव ठाकुर के लिए पूरी सियासी फील्डिंग सजा गए। जयराम लोगों से फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी का 13 साल का वनवास खत्म करने की अपील भी कर गए। पार्टी को जीत मिलने पर विकास की गति तेज करने का वादा भी किया। सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का किस्सा सुनाकर अपरोक्ष रूप से टिकट कटने के बाद नाराज चल रहे नेताओं को यह संदेश भी दे दिया कि अगर आज हाथ खाली है तो कल झोली भर भी सकती है, बस सब्र से काम ले।